अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले कुशीनगर स्थित बुद्ध स्नान गौतम महाविद्यालय के लगभग एक दर्जन से ज्यादा छात्र छात्राएं शनिवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन किए जाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इन छात्रों का कहना है कि 14 अप्रैल वर्ष 2018 को MSc प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम आया था, जिसमें 22 परीक्षार्थियों में से 13 परीक्षार्थियों के 50 अंक में से 0 अंक प्राप्त हुए हैं। छात्रों का कहना है कि उनको यह परीक्षा परिणाम काफी चौंकाने और निराशा करने वाला है, इसलिए उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन कराना आवश्यक है। छात्राओं ने अपनी मांग संबंधित ज्ञापन कुलपति को प्रेषित किया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आकर्षण मिश्रा ने कहा, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, डायनामाइट, एबीवीपी डायनामाइट, 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 एबीवीपी डायनामाइट, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, डायनामाइट, 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 डायनामाइट। हम लोग बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय की समस्या लेकर के आए हैं। मैं कुशीनगर का संगठन मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। महाविद्यालय में प्राणी विज्ञान में 24 विद्यार्थियों का दाखिला है, 24 में से 2 विद्यार्थियों ने परीक्षाएं छोड़ी थी, 22 विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं, जिसमें से 13 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको 2 विषयों में 0 पूर्णांक प्राप्त होते हैं। बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में उनको 0 पूर्णांक दिए जाते हैं, टेक्निक्स एंड टूल विषय में 0 पूर्णांक देते हैं। हम प्राचार्य से मिलते हैं, हमने प्राचार्य से अपनी बात रखी, हमने विभाग के ऊपर भी सवाल उठाए कि क्या क्लास नहीं चल रही है। जो विद्यार्थी बीएससी का प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष पास करके एमएससी में जा रहा है, क्या वो इतना अनपढ़ हो गया कि अचानक से वो 24 पन्ना कॉपी में लिख करके आता है उसको 0 नंबर मिले? और ये स्थिति से बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर की नहीं, गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित जितने महाविद्यालय हैं वहाँ इसी प्रकार के परिणाम आए हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी मांग ये है कि हमें पुनर्मूल्यांकन चाहिए, उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उनके खिलाफ जिन्होंने इस कॉपी उत्तर पुस्तिकाओं को चेक किया है। और हम आम छात्र आरटीआई भी डालते हैं तो इस गोरखपुर विश्वविद्यालय में 3 बार आरटीआई डालने पे कॉपियां मिलती हैं। यही हमारी मांग है कि हमारी पुनर्मूल्यांकन की मांग को स्वीकार किया जाए।